बाबा जी की भक्त श्रीमती गुरुप्रिया नैनीताल में रहती थी। एक बार एकादशी के दिन अपने घर से मंदिर जा रही थी, क्योंकि उन्हें मंदिर के पुजारी जी को एकादशी का सीधा देना था। तो मंदिर के पुजारी को अपने घर ले आई और पुजारी ने सीधा लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि रसोई में जो भी भोजन बना है मैं उसी को ग्रहण कर लूँगा। और वो उन्हें थाल सजाकर भोजन ले आई और भोजन कराने लगी, आसन पर बिठाया। जब पुजारी जी ने भोजन ग्रहण कर रहे थे तो उनकी नज़र सामने टंगी महाराज जी की तस्वीर पर गई। उन्होंने कहा, ये किस पाखंडी की फ़ोटो टांग रखी है तुमने? पुजारी जी की इस बात से गुरुप्रिया बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने अपने मन में ठाना कि भोजन के बाद पुजारी जी को 10 रुपये दक्षिणा देंगी, लेकिन उन्होंने अपना इरादा बदल दिया, केवल 1 रुपये देने का निश्चय किया। उस समय गुरुप्रिया के बक्से में 1 10 का नोट था और 1 1 रुपये का नोट था। उन्होंने पुजारी जी को 1 रुपये का नोट देकर विदा कर दिया और लीला माई के घर चली गई। उसके बाद वहाँ ठहरे हुए गुरुप्रिया बाबा की वहाँ पर भोग की तैयारियाँ चल रही थी। वो सुबह से ही स्वयं को कमरे में बंद करके अकेले बैठे हुए थे। भोग के समय गुरुप्रिया भी वहाँ बैठी हुई थी। बाबा ने बहुत थोड़ा सा भोजन किया। जब लीला माई ने बहुत आग्रह किया तो बाबा बोले, आज गुरुप्रिया ने हमें बहुत खिला दिया है और हम इससे 10 रुपये भी दक्षिणा में ले आए हैं। गुरुप्रिया को बाबा की यह बात समझ में नहीं आई। उन्होंने अनुमान लगाया कि बाबा का तात्पर्य केवल ब्राह्मण को दक्षिणा देने से है। वो बोली, 10 रुपये नहीं महाराज, 1 रुपया। बाबा ने अपने कम्बल के भीतर से वही 10 रुपये का नोट निकालकर उन्हें दिखाया जो गुरुप्रिया के बक्से में था। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। घर लौटकर जब उन्होंने अपना बक्सा टटोला तो उसमें 1 रुपये का नोट था, 10 रुपये का नोट नहीं था। अब गुरुप्रिया की समझ में आया कि जिस पुजारी को खाना खिलाने के बाद 1 रुपया देकर उन्होंने विदा किया वो दरअसल बाबा ही थे। उनके सिवा ऐसी लीला कौन कर सकता था? जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो प्रभु, जय हो।